लिटिल फ्लावर का स्पोर्ट्स टीचर आपको फुटबॉल के बारे ग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फुटबॉल ग्राउंड का लंबाई आपका रहता है 90 से 120 मीटर लंबा रहता है, हैं? उसके बाद आप उसका लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई आपका 45 से 90 मीटर रहता है। और आप जैसे आप गोल पोस्ट में आएंगे, गोल पोस्ट का आपका लंबाई लंबाई आपका 7.2 रहता है, और उसका चौड़ाई आपका रहता है 2.44 आपका। फिर छोटा डी में आएंगे तो छोटा डी का आपका लंबाई होगा 5.5 मीटर। फिर बड़ा डी में आप जाएंगे तो आपका 16.5 मीटर होता है। उसके बाद आप प्लांटी एरिया में आएंगे, प्लांटी एरिया का आपका एरिया हो जाएगा 11 मीटर। 11 मीटर के बाद आपका बड़ा डी के बाद एक सर्कल बनता है, उस सर्कल में आप जाएंगे तो वो सर्कल का रहता है आपका 9.5 मीटर। उसके बाद आप ग्राउंड का जो एरिया जो रहता है वो तो एक एरिया वो आपका 40.5 मीटर। उसके बाद आप सेंटर का जो गोलाई रहता है वो 9.5 मीटर होता है। इस तरह आपका ये फुटबॉल ग्राउंड होता है। ये फुटबॉल बहुत सभी जगह खेला जाता है, पूरे विश्व में खेला जाता है, बहुत ही अच्छा ये खेल है। इस खेल में आपको सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और आप ये खेल को सभी कोई खेलते हैं। जितना अच्छा खेलेंगे आपको सेहत अच्छा रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, आपका जो भी डाइट रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह ये फुटबॉल को खेला जाता है। फुटबॉल बहुत ही अच्छा खेल है, हमारे भारत और पूरे विश्व में ही ये खेल को बहुत ही अच्छा सम्मान दिया जाता है। मैं आप लोग को ग्राउंड के बारे में जानकारी दिया है। अब उसके बाद मैं प्लेयर आपका 11-22, एक साइड 11, एक साइड 11, 11-11 22 प्लेयर रहते हैं। उनके साथ में आपका 3 रेफरी रहते हैं, जो रेफरी एक रेफरी आउटलाइन, दूसरा रेफरी आउटलाइन, दोनों आउटलाइन पे रहते हैं। मेन रेफरी जो रहता है वो बीच में रहता है। वो रेफरी का ये रहता है कि वो फाउल देखना, गेम स्टार्ट करना, गेम रोकना, कहाँ पे गेंद को रोकना है, कहाँ पे ऑफसाइड हो रहा है, कहाँ पे फाउल हो रहा है, ये चीज लेफ्री बता। अगर लेफ्री नहीं देख पाता है तो उस लेफ्री को जो लाइन्समैन वाले जो लाइन्समैन रहते हैं लेफ्री, वो आपका झंडा उठा के उनको बताते हैं कि यहाँ पे गेम रोकिए, यहाँ फाउल है। तो लेफ्री फिर मेन लेफ्री जो रहेगा वो विशील आपका देगा। वो विशील देने के बाद वो लेफ्री वो बॉल को रोकेगा, जिस जगह में फाउल होगा उस जगह में बॉल को रोका जाता है, उस जगह से फिर शूट किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो लेफरी के ऊपर रहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों क्या होता है, उसका एक साइन होता है। वो साइन जब लेफरी देता है तो वो साइन पे हमको आपको शूट करना पड़ता है। तो जिस टीम का फाउल होता है वो टीम शूट नहीं करेगी, अगेंस्ट टीम जो रहेगी वो टीम शूट करती है। तो उसके बाद मैं आपको प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे प्लेस रहता है, एक गोल की रहता है, उसके बाद 4 डिफेंस रहते हैं। 4 डिफेंस के बाद एक रहेगा आपका राइट आउट, एक रहेगा आपका लेफ्ट आउट, उसके बाद 2 रहेंगे सेंटर फॉरवर्ड और 2 रहेंगे आपके लिंग। ये खेल का ये रहता है। और उसके बाद जैसे आप खेल सकते हैं, 1 हुआ 1 तो गोल की हो गया, उसके बाद 4-4-2 खेल सकते हैं। इसमें आपका रहता है कि प्लेयर के ऊपर हिसाब रहता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे जाएगा। खेल स्टार्ट होने के बाद कौन प्लेयर कहाँ पे जाएगा इसका कोई उसमें फाउल नहीं है, वो कहीं भी जाके अपना शूट कर सकता है। और वो लेफरी के ऊपर होता है कि लेफरी उसको कहीं भी वो कर सकता है कि वो कहीं भी जाएगा तो उसका कोई फाउल नहीं होता है ना। अब आपका जैसे गेम स्टार्ट होने के पहले आपका लेफरी विसिल एक मारेगा, और विसिल मारने के बाद गेम स्टार्ट होता है। तो गेम स्टार्ट होने के बाद आपका जैसे गेम चलता रहता है तो कोई फाउल जैसे होता है, उस फाउल के लिए आपको
कुछ ऐसे कुछ नियम रहते हैं जो उस फाउल को लेफरी देखता है। उस फाउल में अगर लेफरी को कुछ डाउट ज्यादा होता है तो आपको एक वार्निंग दिया जाता है कि इस तरह इस प्लेयर को आप घायल नहीं कर सकते। उस प्लेयर को अगर आप दोबारा अगर घायल करते हैं या फिर इस तरह मारते हैं तो आपको हम रेड कार्ड दे सकते हैं और रेड कार्ड के बाद आपको हम बाहर कर सकते हैं। तो आपके जो 11 प्लेयर रहेंगे उसमें से जो एक रेड कार्ड देखेगा वो हो जाएगा आपका 10 प्लेयर। तो 10 प्लेयर में आपको 90 मिनट का जो खेल होता है उस बीच में आपको वही 10 प्लेयर को खेलना पड़ेगा। तो वो 10 प्लेयर खेलेंगे आपका, अगर रेड कार्ड होता है तो 10 प्लेयर खेल रहे हैं। 10 प्लेयर खेलने के बाद लेफरी अपना गेम को करते रहेगा। कार्ड में दो कार्ड होता है, एक ग्रीन कार्ड होता है एक रेड कार्ड होता है। तो वार्निंग वाला जो कार्ड होता है ग्रीन कार्ड होता है जिसमें वार्निंग दिया जाता है। आपको वार्निंग देने के बाद वो उसको दो बार आपको वार्निंग देगा। उसके बाद अगर आप वही चीज करते हैं, प्लेयर को मारते हैं या धक्का देते हैं या फिर उसको और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपको रेड कार्ड देके बाहर ले जाएगा। और ये खेल आपका 90 मिनट का होता है, जो आपका हाफ टाइम 45 मिनट का होता है। उस बीच में अगर दोनों ही टीम स्कोर नहीं करती है, गोल नहीं मारती है, तो आपको 15-15 मिनट का और आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसको सेकंड डे बोला जाता है। उस सेकंड डे के बीच में ही अगर ड्रॉ होता है तो आपको प्लांटी दिया जाता है। वो 5-5 प्लांटी होता है, वो 5-5 प्लांटी आपको आपके 11 प्लेयर से 5 प्लेयर को चॉइस करना पड़ता है कि कौन मारेगा। अब तो वो 5 प्लेयर अगर प्लांटी मार रहे हैं, 5-5 प्लेयर अगर गोल कर देते हैं, आपके दोनों टीम के अगर 5-5 प्लेयर अगर गोल कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक आपको 11 प्लेयर में से आपको एक एक प्लेयर, फिर छठवां प्लेयर आएगा उसी 11 प्लेयर में से, आपको जो फर्स्ट प्लेइंग में रहेगा वही प्लेयर आके आपको वही प्लांटी को फिर वो मारेगा। तो 11 प्लेयर भी प्लांटी मार सकते हैं। अगर 11 प्लेयर प्लांटी मारने से अगर गोल हो जाता है या फिर गोल नहीं होता है 11 प्लेयर में से, तो वो 11 प्लेयर में से फिर अगर गोल नहीं होता है तो उसके बाद लेफरी अपना डिसीजन, जो 3 या 4 लेफरी रहते हैं वो अपना डिसीजन लेके उस गेम को खत्म करने के लिए एक टॉस करते हैं। वो टॉस में अगर हेड टेल आपको पूछा जाता है, एक प्लेयर से पूछा जाएगा, जो टीम का कप्तान रहेगा उससे पूछा जाएगा, हेड टेल होगा, उस हेड टेल में जो भी आता है उस टीम को विजय किया जाता है।